और अगली खबर है गुना से, जहां पनहेटी गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। गांव में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, 3 एसडीएम सहित 4 एसडीओपी मौके पर तैनात हैं। गांव में जमीन विवाद के बाद बवाल हुआ था दो पक्षों में, एक युवक की इसमें मौत भी हो गई थी इस विवाद में और बवाल में। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ की गई थी। गुना जिले की पनहेटी गांव की ये तस्वीरें हैं, यहां पर जमकर दो पक्षों में लड़ाई हुई, प्रॉपर्टी के विवाद ये बताया जा रहा है। जिले के 3 एसडीएम 4 एसडीओपी सहित 500 से ज्यादा पुलिस के जवान इस गांव में तैनात किए गए हैं। दो पक्षों में विवाद हुआ था, पूरे प्रशासन ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी यहां पर प्रशासन की तरफ से कर दी गई है। एक युवक की मौत हो गई थी, तो दो पक्षों में विवाद, भारी संख्या में पुलिस बल अब यहां पर तैनात है। आगजनी भी हुई थी, तोड़फोड़ भी यहां पर हुई थी। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी अभी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। जैसा कि हम लोग सब इसी पनहेटी गांव में हैं, जहां की विवाद 1 नवंबर को हुआ था, दोनों पक्षों पर क्रॉस FIR कायम किया गया है, उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ, और बाकी हैं जो उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज जो घटना हुई है, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उसके कारण यहां पे विवाद उत्पन्न हो गया था। पर्याप्त फोर्स लगाया जा चुका है, कानून व्यवस्था सामान्य है। सर, जो डेड बॉडी है वो अभी आ गई, डेड बॉडी रास्ते में है, वो करीब 12 बजे तक आएगी। हमारी सभी से जो भी स्टेक होल्डर से उनसे बात हो रही है, शांतिपूर्ण तरीके से अंत्येष्टि की जाएगी। विजय कुमार जोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विजय, दो पक्षों में हंगामा हुआ था जमीन को लेकर, शुरू किस तरीके से ये लड़ाई हुई थी, क्या कहना है और क्या फिलहाल इस पूरे मामले में अभी ताजा अपडेट है? जी देखिए, मैं बता दूं कि दीपावली के दिन जो है ये पूरा विवाद सामने आया था, और पट्टे की जमीन को लेकर ये बंजारा समुदाय और भील समुदाय के लोग आपस में भिड़े थे, जिसमें करीबन 4 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 2 लोगों को जो है, एक को इंदौर और एक को भोपाल रेफर किया गया था, जिसमें जो है कल इलाज के दौरान एक व्यक्ति, भील समुदाय के व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और भील समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जो है पनहेटी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने आगजनी की, घरों में आग लगाई है और जो पानी पीने का बोर था उसको भी जो है बंद कर दिया है। वहीं कई बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया है, खाने पीने की जो चीजें थी उनको भी आग के हवाले कर दिया है। और फिलहाल जैसे ही पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना मिली, तो पुलिस के उनको भारी तादाद में वहां पर तैनात किया गया है, कई पुलिस जवानों की तैनाती देर रात से वहां की गई है और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जो है विवेचना की जा रही है। फिलहाल आरोपियों की अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से अभी किसी की गिरफ्तारी जो है सामने नहीं आई है। जी विजय, कहा यह भी जा रहा है कि देखिए, एक शख्स की मौत इस पूरे हंगामे में, इस झगड़े में हुई, अभी माहौल वहां पर क्या तनावपूर्ण है या फिर इतनी पुलिस की मौजूदगी में स्थिति सामान्य है, क्या फिलहाल गांव में अभी शांति है? क्योंकि देखिए, चारों तरफ आगजनी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, पत्थरबाजी भी हुई है, तोड़फोड़ भी वहां पर हुई है। देखिए, अभी फिलहाल तो गांव में आवागमन पर रोक पुलिस ने लगा दी है, प्रशासनिक अधिकारी जो है करीबन 3 से 4 एसडीएम, एसडीओपी और खुद एडिशनल एसपी पूरी रात से जो है गुना एसपी मौके पर मौजूद है और गांव में आवागमन पर रोक लगा दी गई है और तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है कि कौन आरोपी है और इस मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया विजय जानकारी के लिए आपका।